तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसमें मुझे आप सबके सुझाव चाहिए, तो मेहता साहब। भिड़े, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पोपटलाल, तुम्हें भी मौका मिलेगा, पहले मेहता साहब से पूछते। मेहता साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है? इच्छा पूर्ति मटकी मतलब भगवान का आशीर्वाद, और हम सब चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। मेरी और अंजलि की भी बहुत सारी इच्छाएं, लेकिन हम दोनों ने मिलकर यह तय किया कि हम दोनों की इच्छाओं से ज्यादा जरूरी है पोपटलाल की शादी, और हम ये चाहते हैं कि ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का अवसर पोपटलाल को ही मिलना चाहिए। वाह, अरे वाह। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेहता साहब, की कह दिता तुसी? ओए, मेरे दिल दी गल कह दिती तुसी? मैं भी सच्चे मन से यही चाहता हूँ कि अपने पप्पू का घर बस जाए, वो हमारी सोसाइटी में नई परजाई आ जाए और इसकी दिल की तमन्ना पूरी हो जाए। थैंक यू सोनी, थैंक यू मेरे भाई। हाँ, एक्चुअली मैं और हैगर भी यही सोच रहे थे। मेरे और हैगर की इच्छा तो पूरी होती रहेगी, पर फिलहाल हमें पोपट भाई की इच्छा पूरी करनी चाहिए। हाँ, करेक्ट। एक्चुअली व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने और हंस ने भी यही सोचा है। सही बात है, मैंने और बापू जी ने भी यही सोचा कि ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका पोपटलाल को ही दिया जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये मटकी पोपट भाई फोड़े। इंतजार, सबकी एक ही इच्छा है। हाँ, पोपट भाई की शादी के लिए हम सब ने कितनी कोशिशें की है, ये मौका तो हम बिल्कुल गवा नहीं सकते। अब तू बोल भिड़े, तू क्या कहता है? चाचा जी, सच कहूँ तो मैंने और माधवी के मन में भी यही बात थी। मैं बस जानना चाहता था कि आप सबकी राय क्या है, इसीलिए तो मैंने मीटिंग रखी। तो तय रहा कि इच्छा पूर्ति मटकी पोपट भौजी ही फोड़ेंगे। ओके, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जाहिर करता हूँ कि सर्वानुमत से ये तय हुआ है कि इच्छा पूर्ति मटकी हमारे सोसाइटी के होनहार पत्रकार जी पोपट लाली फोड़ेंगे। बल्ले बल्ले मार सट गए। कवान बोलो, कवान। थैंक यू गोकुलम वासियों, थैंक यू सो मच। क्या कहूं मैं, आप सबके दिल में मेरे लिए जो प्यार है, ये देखकर आंखें भर आई। इस स्वार्थ से भरी दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे गोकुलधाम जैसा परिवार मिला है जो अपनी इच्छाओं के बजाय मेरी इच्छा के बारे में सोच रहा है। आज ये साबित हो गया कि हमारे घर भले अलग है, पर हम सब एक दूसरे के दिल में रहते हैं। मैं मांगू, उससे पहले ही आप सबने मुझे इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका दे दिया। अपनी इच्छाओं का त्याग करना आसान नहीं है, आप सबका दिल बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैं आप सबको जितना धन्यवाद कहूं कम है। हे जीरे, हे जीरे, ए बेटा, तुझे किसी को भी धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, हम सब एक परिवार ही तो है। तुम्हारी जब धर्म पत्नी आएगी तो सबको कुछ ना कुछ चटपटा खाना खिलाएगी ना। हाँ पोपट भाई, आप खुशी से इच्छा पूर्ति मटकी फोड़िए। हाँ, आप हैप्पी तो हम सब हैप्पी। लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूँ। क्या हुआ तुझे, क्यों हैप्पी नहीं है तू? मेरी इच्छा के लिए मेरा परिवार अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे,
तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? जितना आप सब मुझे प्यार करते हैं उतना मैं भी आपको प्यार करता हूँ। मेरी इच्छा के लिए आप अपनी इच्छाओं का त्याग करें ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे ऐसे शादी नहीं करनी है। आप सबकी इच्छाओं को मारकर मैं मेरी इच्छा पूरी करूं इतना स्वार्थी नहीं हूं। अरे पोपटलाल, तुम्हारी इच्छा पूरी हो यही हम सबकी इच्छा है क्या? नहीं मैं जानता हूं कि आप सबकी भी अपनी अपनी इच्छाएं होगी और एक परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी इच्छाओं का मान रखूं ये मेरी भी जिम्मेदारी है। अरे पर पप्पू, ये इच्छा पूर्ति मटकी तो कोई एक व्यक्ति ही फोड़ सकता है ना? वही तो, साधु महाराज ने ये इच्छा पूर्ति मटकी टप्पू सेना को दी थी पूरी सोसाइटी के लिए। अगर वो चाहते कि सिर्फ मैं ही मटकी फोड़ू तो मुझे मिलकर मटकी देते, कहते फोड़ दो और अपनी इच्छा पूरी कर लो। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मटकी पूरी सोसाइटी के लिए दी। इसका मतलब है कि सोसाइटी में से जो भी इस मटकी को फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, और जरूरी नहीं कि वो पत्रकार पोपटलाल ही हो। तो हम क्यों नियति को बदलना चाहते हैं? तो अभी क्या करें, कैसे चुने कि कौन ये मटकी फोड़ेगा? उसका एक रास्ता है। दही हंडी के शुभ दिन हम सब अपने अपने नाम की चिट्ठियां रखेंगे। उसमें से एक चिट्ठी चुनी जाएगी, उसमें जिसका नाम आएगा वो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा। अगर ईश्वर चाहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो तो उस चिट्ठी में मेरा ही नाम आएगा, वरना जिसका नाम आएगा वो मटकी फोड़ेगा और उससे मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य का भाग्य नहीं छीन सकता। पोपट भाऊजी, पोपट भाऊजी। और हाँ, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चिट्ठी में सिर्फ अपना नाम लिखिएगा, मेरा नहीं। प्लीज मेरे सुझाव का मान रखिए और बाकी सब हम भगवान पर छोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, ग्रेट है। वाह डिब्बे वाह, मान गए तुझे। अपनी इतनी बड़ी इच्छा पूरी करने का मौका मिलने पर भी तूने हम सब के बारे में सोचा। वाह, ठीक है। तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हमारे पत्रकार पोपटलाल जी की समझदारी का सम्मान रखते हुए ये जाहिर करता हूं कि कल चिट्ठियां डाली जाएगी, उस पे जिसका नाम आएगा वही इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ेगा। राजी। यस यस। और हाँ, थोड़ी देर में हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाने वाले हैं, तो सब तैयार होकर क्लब हाउस में आ जाइएगा। ओके, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। वाह, सच में ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग सच में गोकुल में आ गए हैं। नहीं आजी बेटा, ये सब ईश्वर की शक्ति और हमारी भक्ति का कमाल है। जी हाँ, सही बात है। अगर इंसान सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे तो उनके दर्शन हो ही जाते हैं। तन मन से ईश्वर की भक्ति में खो जाते हैं तो स्थल काल सब भूल जाते हैं। सही बात है। हमारे बाल गोपाल की नगरी कितनी सुंदर लग रही है ना? अच्छा बच्चों, तुम लोग को पता है कृष्ण जन्म 12 बजे क्यों मनाते हैं? क्योंकि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि ठीक 12 बजे हमारे कान्हा का जन्म हुआ था। करेक्ट। वाह 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 टप्पू बेटा, तुझे तो तिथि का भी ज्ञान है।
हमारा हिंदू कैलेंडर भी एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और ये भी एक साइंस ही है। हजारों साल पहले हमारे ग्रहों की स्थिति पे लिखे हुए ग्रंथ, ये हमारा विज्ञान ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए लौकिक ऋषि चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन हमें हमारी संस्कृति और संस्कार कभी भूलने नहीं चाहिए, है ना बाबूजी? बराबर है सेठ जी। कृष्ण जन्म का समय होने आया है, लेकिन हमारे गोकुल धाम के नंद बाबा और यशोदा मैया अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, कहाँ रह गए? हम आ गए। वाह 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 वाह। अंजलि बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, एक सेकंड के लिए मेहता साहब को तो मैंने पहचाना ही नहीं, दाढ़ी वाड़ी। क्या बात है मेहता साहब, आप तो बिल्कुल भी मेहता साहब नहीं लग रहे हैं। मतलब वो नंद बाबा लग रहे हैं। वाह 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 मेहता साहब, अंजलि भाभी, बिल्कुल एकदम बढ़िया लग रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अंजलि भाभी, माय गॉश, यू लुक सो प्रिटी। काना के माता पिता बने हैं, इतना श्रृंगार तो बनता ही है। थैंक यू। मैंने कान्हा के लिए अपने हाथों से पंजरी का प्रसाद और माखन बनाया है। वाह, और इसमें डाइट वाला कुछ भी नहीं है। मैं प्रसाद भगवान के चरणों में रख के आता हूँ। कमल बाबी, कृष्ण जन्म का टाइम हो गया कि अभी? 5 मिनट। अरे वाह, तो थोड़ी भजन भक्ति कर ले। कृष्ण जन्म में अभी सिर्फ 10 सेकेंड ही रह गए हैं। 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1।
रंग भयो जय हो नंदलाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांति काला राधिका चमक रही आली रतन में ताले बन माले भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक चलित सभी श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल धाम में कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कहते हैं कि भक्त अगर अपनी भक्ति में लीन हो जाता है तो वह स्थल काल को भी भूल जाता है। हम काल को भेद कर गोकुल पहुंच गए, ऐसा हम सबको व्यतीत हुआ, आनंद आ गया और यह आनंद दुगना होने वाला है। हम इच्छा पूर्ति मटकी के साथ दही हंडी मनाने वाले हैं। जी हाँ, पोपट लाल ने निस्वार्थ होकर हम सबसे कह दिया कि हम अपने अपने नाम की चिट्ठी डाल सकते हैं और हम सब अपने अपने नाम की चिट्ठी डालने वाले हैं। चिट्ठी में किसका नाम निकलेगा और ये इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपकी बेशुमार हंसी की इच्छा को हम पूरा करेंगे। तो सोमवार को हम इच्छा पूर्ति मटकी के साथ दही हंडी मनाने वाले हैं, तो देखना ना भूलें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।